हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यह वीडियो वीवो वाई 77i के न्यू अपडेट के लिए लाया हूं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि नया अपडेट आया हुआ है। उसके लिए मैं आपको सेटिंग्स पे जाके दिखा देता हूं कि इसमें एक नया अपडेट आ चुका है जो कि 1.9.3 है। और इसमें आप इसका ओएस देख सकते हैं, फन टच ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉयड। और इसका न्यू वर्जन आप देख सकते हैं 1.9.3, और इसका ओल्ड वर्जन है 1.8.2। तो 1.9.3 जो नया वर्जन हुआ है 482.30 MB का, इसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज टच स्क्रीन फंक्शन टू इम्प्रूव द टच स्क्रीन एक्सपीरियंस, ऑप्टिमाइज द सिग्नल बार डिस्प्ले इन द सिस्टम स्टेटस बार, और इनहेंस द एक्सपीरियंस ऑफ जेस्चर नेविगेशन। और आपको मल्टीमीडिया में कुछ इम्प्रूवमेंट मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इम्प्रूव द फेस ब्यूटी इफेक्ट ऑफ द रियर कैमरा। रियर कैमरा में जो है फेस ब्यूटी को इम्प्रूव किया गया है। और ऑप्टिमाइज द ऑडियो चैनल फॉर ए मोर स्टेबल साउंड आउटपुट, और ऑडियो में भी आप बेटर साउंड आउटपुट पा सकते हैं इस अपडेट से। तो चलिए देखते हैं इसको डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद क्या मेजर चेंजेस आते हैं इस फ़ोन में। तो यह अपडेट लगभग सभी फन टच ओएस और वाई सीरीज में आया होगा, जैसा कि मैंने कई फ़ोन में देखा है। तो आप भी चेक कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन वीवो वाई सीरीज का है। तो अबाउट फ़ोन में जाके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 है, और सिक्योरिटी पैच 16/2018 है, और रैम इसकी 2 GB और इंटरनल 16 GB है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं कि यह डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि यह डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। के लिए जाते हैं सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोन के बारे में मोर सेटिंग पे जाएंगे तो अबाउट फ़ोन पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से कि इसमें प्रोसेसर और बाकी सब चीज़ें। तो इसमें 1.4 GHz स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अपडेट होने में। तो आप देख सकते हैं इसको, यह अपडेट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी यह रिबूट हो रहा है, रिबूट होते ही मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं। तो अभी तो यह रिबूट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए अपडेट हो चुका है यह। तो यहाँ पर सेटिंग पर जाके आप देख सकते हैं कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द लेटेस्ट वर्जन 1.9.3। तो और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि अबाउट फोन के बारे में, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 1/7/2018 हो गया है। तो चलिए इसका कैमरा टेस्ट करते हैं। ये रियर कैमरा जो 8 MP का है, और इसी में एक फ्रंट कैमरा भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये 5 MP का है। तो मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।